यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और मैं कमल कौशिक। हरियाणा में 7 दिसंबर 2017 से पहले की सभी भर्तियों पर अब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले से अभ्यर्थियों को 1300 से ज्यादा अभ्यर्थी वो होंगे जिनको ये फायदा मिलेगा। दरअसल कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि 7 दिसंबर 2017 से पहले के सभी मामलों में ये लाभ मिलना चाहिए। और साथ ही वकील गोविंद पराशर का ये कहना भी है, जो कि हमारे साथ मौजूद भी है, 7 दिसंबर 2017 को कोर्ट ने कालिंदी वशिष्ठ की एक पिटीशन पर इस मामले में स्टे दे दिया था और अब यह रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। आज देखिए, आज एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला माननीय हाईकोर्ट ने दिया है। मेरे साथ में पंडित हरिराम दीक्षित हैं, जो ईबीपी वाली लड़ाई लड़ रहे थे, और आज हम माननीय हाईकोर्ट का सर झुका के ये निर्णय स्वीकार करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये 1370 जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया था, कुछ पोस्टों का रिजल्ट रुका हुआ था, और आज के माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के बाद वो सब निर्णय इनके हक में हो गए हैं और आज ये बच्चों के चेहरे की जो खुशी है वो देखते हुए बनती है। देखिए, गवर्नमेंट का अपना पक्ष होता है, कभी भी गवर्नमेंट जब तक किसी आदेश में क्लैरिफिकेशन ना हो उसको लागू नहीं कर सकती है, चाहे वो HSSC हो, HPSC हो या कुछ कॉरपोरेशन हो, उनमें सभी में ये इफेक्ट था। और उन्होंने माननीय न्यायालय का जो न्यूज़पेपर में आया, फिर नोटिफिकेशन भी चीफ सेक्रेटरी साहब की हुई, तो उसको मानते हुए इसको स्टे करना उचित समझा कि जब तक क्लैरिफाई ना हो जाए तो हमें कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना न करनी हो जाए, इसलिए उसको रोक लिया गया था। और आज क्लैरिफाई कर दिया है तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट इसके बारे में जरूर एक्शन लेगी। तो लगभग 1370 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको राहत मिलने वाले है। 10% जो आर्थिक पिछड़ेपन में थे, जनरल कैटेगरी के जो युवा थे या जो अभ्यर्थी थे, उनको ये फायदा मिलेगा। बिल्कुल, हाईकोर्ट की ओर से साफ कर दिया गया है और तारीख जो बताई गई है कि 7 दिसंबर 2017 से पहले के जो अभ्यर्थी हैं, जो करीब करीब जिनकी संख्या भी हमने आपको बताई, मंत्री जी को भी हमने आपको सुनवाया, साथ ही वकील का क्या पक्ष है, क्या स्टेटस है फिलहाल मामले का, वो सारी जानकारी आपको दी। इसी मामले पर हम चर्चा भी करेंगे बड़ी बात में। एक खास पैनल हमारे साथ है, तो बड़ी बात में चर्चा करेंगे इसी विषय को लेकर। हरियाणा बीजेपी की ओर से हमारे साथ नीलम चौधरी जी हैं, स्वागत है आपका चर्चा में। हरियाणा कांग्रेस की प्रवक्ता रंजिता मेहता हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। नेलू प्रवक्ता प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता गुरिंद्र पाल सिंह जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद प्राशर जी भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। स्वागत है सभी का। गोविंद जी, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे क्या कुछ रहा अदालत में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 2013 में 10% आरक्षण EBPG को दिया गया था जी। और 10% आरक्षण जाट सहित 5 अन्य जातियों को भी दिया गया था। जाट वाले आरक्षण पे मुरारी लाल गुप्ता जी की रिट में स्टे आ गया था और उसी स्टे होने के बाद राम सिंह के केस में इसको क्वेश कर दिया गया था नोटिफिकेशन को। इस नोटिफिकेशन में इसको माननीय न्यायालय में जब ये स्टे किया गया तो हमारी EBPG की कैटेगरी के लिए भी एक CM फाइल की गई थी कि ये भी एक गुप्ता केसी गुप्ता आयोग के ऊपर बेस्ड है तो इसको भी क्वेश किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने उस CM को खारिज कर दिया गया था और ये कहा गया था कि इसके बारे में कुछ नहीं बहस हुई है और ये हमारा खारिज करना नहीं बनता है। हमारा EBPG का आरक्षण उस बाद तो लगातार जारी था। कालिंदी वशिष्ठ नामक एक लड़की ने एक रिट फाइल की थी 2016 में, जो कि अभ्यर्थी थी PG कॉलेज MBBS के लिए। उसकी रिट के को सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने ये पाया कि एडमिशन को स्टे कर दिया जाए। तो 2016 में एडमिशन हुआ, एडमिशन दिस वाज स्टेट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए क्लेरिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी साहब से आ गया था कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार
सिर्फ एडमिशन को रोका गया है और भर्तियां जारी रहेंगी। इसी केस के चलते बीच में भी कुछ पर्टिकुलर भर्ती पे, जैसे पुलिस भर्ती थी उस पर स्टे आया था, पटवारी की भर्ती पे स्टे आया था, जो माननीय न्यायालय ने क्लैरिफाई करते हुए उनको ज्वाइनिंग कर दी थी कंडीशनल सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम द रिट पटिशन। इसके बाद कालिंदी वशिष्ठ का केस 7 दिसंबर 2017 को जब सुनवाई पे था तो पटिशनर के तरफ से एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्रस्तुत करते हुए ये कहा गया कि एक सिमिलर नोटिफिकेशन जो गुजरात हाई कोर्ट ने क्वेश कर दी है तो हरियाणा में भी ऐसा आरक्षण को क्वेश किया जाए। माननीय न्यायालय ने, ठीक है, आपके पास फिर से आएंगे, विस्तार से जवाब दीजिएगा गुरिंद्र पाल सिंह जी, कितना बड़ा फैसला माना जाए इसको? देखिए ये कोई बिल्कुल फैसला नहीं है, ये एक इंटरिम ऑर्डर है जो कोर्ट ने किया है, ठीक है, और मेरे हिसाब से ये इंटरिम ऑर्डर 9 जजेस का जो फैसला है इंदिरा सानी के केस में उसके खिलाफ है। इंदिरा सानी के केस में 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेसिफिकली एक ले डाउन किया है लॉ, मैं रेफर कर सकता हूँ पैरा नंबर पेज नंबर AIR 1993 ऑल इंडिया रिपोर्टर के 477 नंबर पेज पे है, जिसमें 4 जजेस और 2 जजेस ने स्पेसिफिकली कहा था कि इकोनॉमिक बेस पे हिंदुस्तान का संविधान, देश का संविधान इजाजत नहीं देता किसी भी तरह की रिजर्वेशन को। हाँ। और उसके पीछे कारण है, दो रीजन है उसके, जो आर्टिकल 15 है जो नॉन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी लागू होता है, उसके लिए यह है कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है। हाँ। इसलिए उस बारे में तो कोई राय नहीं है, तो आर्टिकल 16 में जो वर्ड है वो सोशली इकोनॉमिकली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बजाय वर्ड लिखा है बैकवर्ड क्लासेस, तो उस बैकवर्ड क्लासेस को भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और उन्होंने कहा कि यहां बैकवर्ड क्लासेस का मतलब वही है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। और एक बहुत अच्छी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्गुमेंट को जो उस समय रेज किया गया 1993 में, कि जो एक रिजर्वेशन है हिंदुस्तान के संविधान में, ये कोई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है। हाँ। ये इक्वेलिटी लाने के लिए चीज है। हाँ। तो इक्वेलिटी कौन सी है? जो सोशल इनइक्वेलिटी सोसाइटी में हजारों सालों की डिसएडवांटेजेस सेक्शन को दी गई है, उसकी वजह से जो इनइक्वेलिटी पैदा हुई है उसको रिड्रेस करने के लिए ये कही है। तो यदि मुझे, क्योंकि अभी तक जजमेंट साइन, जो इंटरिम ऑर्डर है वो साइन नहीं हुआ, अभी तक हमें पता नहीं कि उसको क्या कहा गया है। यदि ये ब्लैंक ऑर्डर है कि इन भर्तियों को कर दिया जाए तो जिन लोगों ने रिपिटिशन करी है वो इनफ्रक्चुअस हो जाती है। ऐसा फैसला नहीं होता, नॉर्मली कोर्ट के पास पावर है, इंटरिम तौर पर कोर्ट ये कह सकती है कि सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ रिट पिटीशन की कल को रिटिशन में क्या फैसला करते हैं। जो बाकी अभ्यर्थी हैं जैसे कि 1300 से 1400 के बीच है, क्या लगता है कि जनहित याचिका पहले भी दायर की गई थी कि ये जो आरक्षण है वो नहीं दिया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुझे लगता नहीं इस फैसले को आप जो तराजू है ना कानून का, उस तराजू में यदि इस फैसले को जिस तरह पुट किया जा रहा है, यदि ये फैसला है तो ये न्याय की तकड़ी में, ये तराजू में तोलने पर ये फैसला कायम नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 9 जजेस बेंच का फैसला है जो आर्थिक तौर पे आरक्षण का को कहता है कि परमिसिबल नहीं है हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक। गोविंद जी, ये बात है अपने आप में बड़ी कि सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़े हैं आरक्षण उन्हीं को दिया जा सकता है जो कि संविधान कहता है, ये आर्थिक तौर पर दिया गया आरक्षण। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने बताया, आर्टिकल 16(4) संविधान का ऐसा कोई प्रोविजन पर्टिकुलर नहीं करता है जिसके अंदर सोशली एजुकेशनली का शब्द हो या इकोनॉमिक का शब्द हो, इसी उसके अंदर यही भी प्रोविजन दिया गया, अगर गवर्नमेंट चाहे और वो अपने एक पर्टिकुलर पक्ष को उभारना चाहती है जिसको कैटेगरी को, तो वो ऐसा आरक्षण दे जा सकता है, और इसी के चलते ये नोटिफिकेशन 2013 में आई थी, तो इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, और यही रिविजिट करने के बाद चैलेंज कैसा जा सकता है इस फैसले को? इस फैसले को चैलेंज करना तो जिस जो पटिशनर है उनकी बात है, मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि जब तक नोटिफिकेशन, चलिए ठीक है, हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस फैसले को कैसे वो देखते हैं और कितनी राहत उन अभ्यर्थियों के लिए माना जाए जो कि 7 दिसंबर 2017 से पहले उनकी ओर से अप्लाई किया गया था, फॉर्म भरे गए थे या फिर जिनको भर्तियां जिनको नौकरियां दी जानी है। रामविलास शर्मा जी हैं हमारे साथ इस चर्चा में सीधे जुड़े हैं। जी 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 शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। हेलो जी,
मंत्री जी, कितनी बड़ी राहत आप देखते हैं करीब 1300 उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको कि आर्थिक तौर पर आरक्षण दिए जाने का प्रावधान था। हाईकोर्ट की ओर से आज कहा गया है कि 7 दिसंबर 2017 से पहले अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। देखिए मैडम, ये आज का जो माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो एक बहुत बड़ी राहत हरियाणा के उन नौजवानों को मिली है। इसके लिए जो हरियाणा सरकार ने, हमारी सरकार ने माननीय कोर्ट में जो एफिडेविट दिया जी, लगभग 1370 नौजवानों का, क्लर्कों में 682 लोगों का, क्लर्कों में 682 जो थे उनका सिलेक्शन हो चुका था, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। वाटर पंप ऑपरेटर 250 का सिलेक्शन हो चुका था, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। केमिस्ट्री के 8 लेक्चरर्स का सिलेक्शन हो गया, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। फिजिक्स के 7 लेक्चरर्स का सिलेक्शन हो गया, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। जीएनएम 89 का सिलेक्शन हुआ, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। एमपीएचडब्ल्यू 100 की पोस्ट है, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। आज के माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय से इन सब बच्चों को बड़ी राहत मिली है। और हरियाणा सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो एफिडेविट सरकार की ओर से दिया है, इससे हम माननीय अदालत का अभिनंदन करते हैं और हरियाणा सरकार के मुखिया श्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, एक सवाल ये भी है कि 2013 में जब हुड्डा सरकार थी, तब ये जो 10% आरक्षण की बात हुई थी, प्रावधान किया गया था, काफी खुशी थी जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी थे, लेकिन बीच में रोड़ा हुआ और जनहित याचिकाएं भी दायर की गई है, और आज भी जो है कह रहे हैं कि कानूनी जो जानकार हमारे साथ मौजूद है कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन कहीं क्या आप श्रेय ले सकते हैं इसका कि 1370 अभ्यर्थियों को नौकरियां मिलेंगी या उनका शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनका काफी फायदा होने वाला है? नहीं देखिए, इसमें श्रेय लेने की बात नहीं है, इसमें तो माननीय हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत की बात है, और ये प्रावधान किया, एक प्रोसीजर का पालन किया, और उसके बाद भी जो लोग सिलेक्शन में आए, मेरिट से आए, उनको ज्वाइनिंग रुकवा दी, उसकी बात है। ये निश्चित रूप से नौजवानों के लिए जिन्होंने मेहनत करके जो सिलेक्शन हुई और उनको कल से ही ये माननीय अदालत के निर्णय से उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये बड़ी राहत का मुद्दा है। जी रामविलास शर्मा जी, लेकिन जो याचिका लगाई गई उसमें इंदिरा साहनी के केस का जिक्र किया गया था। संविधान ये कहता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जा सकता है, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जा सकता है। इसमें आपकी सरकार का स्टैंड क्या है? नहीं, हमारी स्टैंड, सरकार का स्टैंड साफ है जी। हमने तो सरकार के तौर पर हमने एक्ट बनाया, उसमें प्रावधान किया, और माननीय हाई कोर्ट ने जो सरकार से मांगा था वो एफिडेविट दे दिया। जी जी आएंगे आपके पास भी, रंजीता जी आएंगे जी, जी मंत्री जी, क्या आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे? अभी के जो बाकी पिछड़े लोग हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाए, उनको लाभ दिया जाए, इस दिशा में सरकार कोई कदम उठाएगी, की कोशिशें करेंगे आप लोग? लगता है संपर्क टूट चुका है उनके हमारे साथ। चलिए रंजीता जी, आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए, इसके अंदर जब आनंदी कालंदी वाले केस के अंदर स्टे लगा था, उससे अगले दिन ही सरकार को मौका दिया गया था, अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि इसके पक्ष में वो जवाब दिया जाए।
तीन बार अपॉर्चुनिटी दी गई, आप इस बात का ध्यान रखिए, तीन बार अपॉर्चुनिटी देने के बाद सरकार ने अपना जब फैसला या अपनी जो याचिका थी या उसका जवाब था वो नहीं दायर किया, उसके बाद स्टे को बरकरार किया गया। उस समय ये सरकार की नाकामी थी जिसकी वजह से 1370 बच्चे थे जो आज तक सफर कर रहे थे। इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा, उस समय अगर गंभीरता से लिया होता। आप जो पॉलिसी बनाते हैं आपकी सरकार में रहते हुए उस पर भी सवाल उठते हैं कि चुनावी नीतियां निर्धारित की जाती है, संविधान जो कहता है जिसकी व्याख्या देश की सबसे बड़ी अदालत करती है, उन नियमों को ताक पर रखा जाता है नीति निर्माण में। ज्योति जी, हमने किसी भी नियम को ताक पर नहीं रखा। पहली बात तो जो इंदिरा सानी का केस है जिसको कि मंडल कमीशन कहा जाता है 1992 में जो आया था, उसमें केवल जो शैक्षणिक और जो सोशल अधिकार है वो नहीं है, उसमें उन्होंने आर्थिक भी कहा था कि वो भी साथ में हो सकता है, तीनों चीजें। और उस पे बकायदा पॉइंट्स दिए गए थे, 12 पॉइंट सोशल बेसिस के ऊपर, 6 पॉइंट इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर, 6 पॉइंट एजुकेशन बेसिस। मैडम, गुजरात हाईकोर्ट ने भी कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण, वो भी मैं ऐड करना चाहती हूँ, उसमें भी एक अगर अंडर शेड्यूल 9 आप ऐड करना चाहते हैं, अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। और उसमें यह भी लिखा हुआ है पैरा नंबर 115 के अंदर कि अगर कोई सरकार ये महसूस करती है कि इस वर्ग को इस आधार के ऊपर भी ऐड करना चाहिए तो वो कर सकती है, बकायदा वो शेड्यूल 9 में इसको दाखिल करके अमेंडमेंट कर सकती है। और जहां सरकारों की मंशा पर सवाल उठेंगे, तमिलनाडु में आज भी इसके ऊपर 59% रिजर्वेशन चल रही है। आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जाए, 10% जो आरक्षण दिया जाए, उसकी दिशा में सरकार सोचे, कितनी संभावना? देखिए, जहां तक सरकार की बात है, अभी जैसे कि रंजीता जी भी बात कर रही थी, 2016 में जब स्टे होता है, जवाब दावा दायर नहीं किया जाता सरकार की तरफ से, बाकायदा 10,000 रुपए का फाइन होता है कोर्ट की तरफ से, तो ये तो सरकार की मंशा की बात आ गई। देखिए, इंदिरा सानी केस का जिक्र होता है जिसके अंदर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 50% ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन तमिलनाडु हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जहां पे आरक्षण जो है 50% ज्यादा है। उसके अंदर भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 9 जो है उसमें प्रावधान है, अगर आप चाहें तो शेड्यूल 9 में डाल के आरक्षण दे सकते हैं। तमिलनाडु का एग्जाम्पल हम देखते हैं, लेकिन यहां पे एक जो बात थी, देखिए महत्वपूर्ण चीज ये है, जब ये बात होती है कि संविधान के अंदर शैक्षणिक और सोशली बैकवर्ड का आरक्षण प्रावधान है, आर्थिक का नहीं है, बार बार ये बात कही जाती है। तो मेरा एक सवाल है कांग्रेस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी, केंद्र में दोनों की सरकार रही है, अगर ये आर्थिक आधार आरक्षण के पैरोकार हैं तो क्यों नहीं संविधान के अंदर संशोधन क्यों नहीं कर देते? और दूसरी चीज, जैसे अभी रंजीता जी एक बात का जिक्र कर रही थी, आपने भी जिक्र किया, देखिए इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने जिस वक्त नोटिफिकेशन किया था आरक्षण का, एक तो वो वोट की राजनीति थी, वो क्यों थी, क्योंकि आपका 10 साल राज रहा, आपने 10 साल में नहीं सोचा, जाते जाते आप नोटिफिकेशन करते हो, और वो नोटिफिकेशन भी बिना किसी डाटा या यूं कह लीजिए बिना कागज कार्रवाई के, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाके बिना किसी बेस के एब्सोल्युटली वोट की राजनीति, वोट की राजनीति थी कहीं ना कहीं, वोट की राजनीति, वोट लेने के लिए, तभी तो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो खारिज हो गया। अगर वो स्ट्रॉन्ग फुट पे काम किया होता तो सुप्रीम कोर्ट में खारिज नहीं होता। आप पैरोकार बनेंगे इन लोगों के जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, उनके लिए संविधान में संशोधन किया जाए, जिस बात की दिक्कत परेशानी है उसको दूर करने की कोशिशें की जाए, आप लोग केंद्र में भी हैं? जी, पहली बात तो ये कि जैसे जो आज का ही जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से जो 7/12/2017 जिसकी आप बात कर रहे थे, उसमें जो क्लैरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन हाईकोर्ट की तरफ से की गई है, उसमें आज हमने अपना एफिडेविट भी फाइल कर दिया है, और उसमें हमने बहुत साफ तौर पर कहा भी है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज नो ऑब्जेक्शन इफ द ऑर्डर डेटेड सो एंड सो इज मॉडिफाइड और क्लैरिफाइड। इसमें एक और चीज है, टू द इफेक्ट दैट द स्टे ऑर्डर शैल बी एप्लीकेबल ओनली इन द केसेस वेयर द सिलेक्शन प्रोसेस वाज नोटिफाइड आफ्टर द पासिंग ऑफ द स्टे ऑर्डर, जो कि हम 7/12/2017 की बात कर रहे हैं, मतलब कि जिनका सिलेक्शन प्रोसेस 7/12/2017 से पहले हो चुका था उनके ऊपर जो स्टे ऑर्डर है वो अप्लाई नहीं होगा, और उनके लिए रास्ता साफ हो गया, और गवर्नमेंट ने कहा भी है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इस तरह से उनके लिए एकदम रास्ता क्लियर हो गया, जो कि सरकार ने आज ही उसके एफिडेविट फाइल भी कर दिया है, तो वो एक तो वो चीज क्लियर होगी। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि आर्थिक आधार का, हम उसके पैरोकार हैं। ज्योति जी, इस मामले में कितना क्लियर हुआ मैडम, क्या इसको चुनौती नहीं दी जा सकती? ज्योति जी, अधूर आते आते बहुत देर कर दी, अंतरिम है, 22 सितंबर को आपसे जवाब मांगा जाता है, आप 18 मई को एफिडेविट देती हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक चीज और ये है कि इसमें जो चैलेंज वाली बात है, जो ये आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन है, ये अभी भी स्टिल द पेंडेंसी ऑफ द केस इन द सुप्रीम कोर्ट अभी भी चल रहा है,
अभी उस पर फैसला नहीं हुआ, तो अभी इसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकते, पहले वो केस वहां पे फाइनल आ ठीक है फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो हमने आज कहा कि करीबन 1369 इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और भी कैंडिडेट्स अगर उनके नाम नहीं है तो जो भी है सबको इसका बेनिफिट मिलेगा, उनकी सबकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। मेरा सवाल थोड़ा बड़ा था इससे, 1379 की बात छोड़ दें, करीब करीब 1300 से ज्यादा जितने भी हैं उससे आंकड़ा भी भले ही बड़ा हो जाए, लेकिन क्या आप लोग कोशिशें करेंगे कि आरक्षण दिया जाए? इस दिशा में क्या बीजेपी कदम उठाएगी थोड़ी बड़े स्तर पर? हाँ, लास्ट आप देखें ना, जो अभी 2016 में हमने एक्ट लाए थे जो इसी में रिक्रूटमेंट, उसमें हमने 10% इनके लिए अलग से रिजर्वेशन रखी थी इकोनॉमिक बैकवर्ड के लिए। एक तो ये है क्योंकि हम तो ऑलरेडी उस दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको ध्यान हो तो नेशनल कमीशन भी उसका लोकसभा में पास भी हो गई थी, राज्यसभा में नहीं थी, जिसमें बैकवर्ड और इकोनॉमिकली जो भी लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए, रिजर्वेशन के लिए हमने ऑलरेडी कमीशन प्लान कर रखा है, उसको फिर से इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा, तो वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही हो जाएगी एक तरह से। तो हम तो जो भी मेरा सबसे पहले ये कहना है कि जब तक कोई नोटिफिकेशन फोर्स में रहती है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, उस टाइम किए गए सारे सिलेक्शन पूर्ण रूप से वैध होते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यस, हमारे संविधान में इस संशोधन की आवश्यकता है और इसमें मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आर्थिक आधार का भी आज बहुत बड़ा जरूरत है आज समाज को, आर्थिक आधार का आरक्षण देने की। तीसरी बात मैं कहता हूं कि आज हमारे हरियाणा में भी ऑलरेडी 57% आरक्षण मिल चुका है, क्योंकि 47% पहले था और 10% आरक्षण जाट आरक्षण और अन्य 6 जातियों के साथ वो एक्ट पास हो चुका है, हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है, क्वेश्चन नहीं किया गया है। और जो हमारे नोटिफिकेशन उस टाइम आया था तो वो भी विधानसभा से पूर्ण रूप से पारित होके और एक वैध तरीके से पास होके आया था, जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी पूरी जो प्रोसेस होता है उसको पूरा किया था और आज बीजेपी गवर्नमेंट भी उसको पूर्ण तरह से फॉलो कर रही है। मौका बड़ा है क्योंकि केंद्र में बहुमत की सरकार है। मैंने कहा ना कि ऑलरेडी स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की भी जरूरत पड़ती है तो वो भी होगा, और नेशनल कमीशन तो एक बॉडी है जो हर एक को रिप्रेजेंट करेगी। प्रवीण अंजलि साहब, जाट समुदाय खुद कहता है कि शेड्यूल 9 में शामिल किया जाए, इसके लिए बहुत बार कोशिशें की गई, अब एक बार फिर से उम्मीदें जगी हैं उन लोगों में जो कि आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। देखिए ज्योति, जहां तक कोशिशें की गई का सवाल है, कोशिशें तो हुई नहीं, अगर कोशिशें होती तो समुदाय की ओर से कह रहा हूं, लेकिन सरकार की ओर से कोशिश नहीं हुई, अगर होती तो शेड्यूल 9 में डल जाता। आपको याद होगा जब विधानसभा में सरकार ने यह कहा कि वो बिल लेके आए, सर्वसम्मति से बिल पास हुआ, एक महीना सरकार ने बाकायदा एक महीने का वक्त लगा दिया गवर्नर साहब पे भेजने के लिए, क्यों लगाया? सरकार की मंशा पता लगती है, उससे पहले कोर्ट में वो चैलेंज हो गया। अगर सरकार उस वक्त चाहती, आपको याद होगा उस वक्त पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा था, सरकार उसको शेड्यूल 9 में तुरंत डलवा सकती थी, लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी कोर्ट तक, तो इस वजह से वक्त दिया गया कि कोर्ट में जाए, पिटीशन डल जाए और कोर्ट में स्टे हो जाए। एक चीज आपने एक बार नीलम जी से पूछी, उसका जवाब दूंगा, एक मिनट। आपने नीलम जी से पूछा कि आर्थिक आधार पे जो आरक्षण है उसमें क्या कोशिश है। देखिए आपको एक चीज बताता हूँ, जिस वक्त कालिंदी वशिष्ठ जिन्होंने ये पिटीशन डाली थी, हाँ, उनकी पेटिशन 2016 के अंदर, 2017 में जो रिक्रूटमेंट पे स्टे आया था, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सरकारी वकील बजाय वहां पे जिरह करते, कोशिश करते, बजाय कोशिश करने के उन्होंने केवल एक बात बोल दी कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, हम इस पे पुनर्विचार करना चाहते हैं। स्टे का रास्ता तो सरकारी वकील ने खुद खोल दिया, बजाय वहां पे फाइट करते उन्होंने तो खुद स्टे करवा दिया इसको। अभी अभी ये सवाल किया जा रहा था कि कांग्रेस ने इसको शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डलवाया। मार्च 2014 के अंदर हमने ये पॉलिसी बनाई थी और अप्रैल 2014 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में इस पे स्टे लग गई थी, हमारे पास मौका मिलता तो हम शेड्यूल 9 में डालते। आप लोग जनवरी में आप लेके आते हैं नोटिफिकेशन, जनवरी में लेके आते हैं। 7 दिसंबर 2017 से पहले के एक लगभग 370 अभ्यर्थियों को काफी फायदा होने वाला है भविष्य में, क्योंकि अब उनके लिए एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो
शिक्षा लेना चाहते थे आरक्षण के तौर पर 10% या फिर नौकरियां लेना चाहते सरकारी, उनके लिए रास्ते पूरी तरह से हाईकोर्ट ने खोल दिए। बिल्कुल गुरिंद्र पाल सिंह जी, अगर सरकार ये कोशिश ये करे कि 10% आरक्षण इन लोगों को दिया जाए, जाट समुदाय को भी शेड्यूल लाइन में शामिल किया जाए, कितना बड़ा ये रास्ता है सरकार के लिए। उससे पहले मैं एक और टिप्पणी कर रहा हूँ, बताइए। वो ये है कि आज का जो ऑर्डर है इसके बारे में जितनी मुझे जानकारी है, एक तो इसमें पिटीशनर का काउंसिल ही मौजूद नहीं था, ये स्पेशल डीबी के केस लगा था। और एक बड़ी कानून के बारे में एक बात होती है कि जज की जो जजमेंट होती है ना, वो बार पे उसको कितनी असिस्टेंस मिली है जज साहब को, उसकी रिफ्लेक्शन होती है। तो इसलिए मैं ये कसूर जज साहब का नहीं निकालूंगा कि उन्होंने ये फैसले में ऑर्डर में क्या लिखा वो सही है कि गलत है। मेरा ये मानना है कि जो असिस्टेंस होनी चाहिए थी बार पे, जो पिटीशनर का काउंसिल या दूसरी अपोजिट पार्टी का काउंसिल हो, वो मौजूद नहीं था। सिर्फ वो लोग मौजूद थे जिन्होंने ये स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन डाली थी। और मैं मुझे जो पता लगा है कि वो अभी तक पार्टी भी नहीं बने जिनके जिनकी एप्लीकेशन पे ये स्टे, उनकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, उनकी पेंडिंग है, नोटिस हुआ हुआ है। और ये उस स्थिति में किया गया और सरकार की तरफ से एफिडेविट दे दिया गया। तो एक तो ये है कि कोर्ट को प्रॉपर असिस्टेंस आज के दिन दोनों पार्टियों की नहीं थी और कोर्ट ने इसलिए उन जो मौजूदा पार्टियां थी उनका पक्ष करते हुए फैसला सुना। अब दो एक बात रंजीता बहन जी ने कही अभी 2 मिनट पहले कि जो आरक्षण आर्थिक आधार पे टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अपने 1992 के फैसले में इंदिरा सानी में, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। वो आर्थिक आधार पे कोई रिजर्वेशन की बात नहीं और स्पेसिफिकली कहा है कि आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन नहीं हो सकता। सेकंड बहन जी अभी बता देता हूँ, सिर्फ आर्थिक आधार नहीं, वो जो टिप्पणी आपने कहा ना 6 मार्क्स आर्थिक आधार पे थे, वो बिल्कुल सही कहा है आपने, गलत नहीं कहा। मंडल योग के वजह से कोर्ट के सामने इशू ये था कि क्या कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन हो सकता है, क्योंकि वर्ड जो लिखा हुआ है संविधान में बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है। तो कोर्ट ने यह कहा कि कास्ट जो है हिंदुस्तान में एक प्रोफेशन है, बहुत लंबा है, हिंदुस्तान की एक यूनिक स्थिति है कि यहाँ हर आदमी कास्ट के साथ पैदा होता है। तो उन्होंने कहा कि कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकती, लेकिन बैकवर्ड क्लास जो आर्टिकल 15 और 16 में 15 और 16 में दिए गए हैं उनको यदि आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करनी है तो कास्ट एक क्राइटेरिया। तो जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो पूरा मामला देख रहे हैं। प्रेम शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये माने की पूरी तरीके से स्वागत योग्य ये फैसला दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा? बिल्कुल, फैसला जो है स्वागत के योग्य है और इसमें अगर सरकार थोड़ी सी सचेत होती तो ये फैसला पहले भी आ सकता था। बात आरक्षण की ये है कि आरक्षण जो दूसरी जो कास्ट है, अदर कास्ट, उनमें भी बहुत गरीब बच्चे हैं और आरक्षण तो जो आर्थिक आधार पे आरक्षण को कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक ही इतने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके उनको जो है शिक्षा में भी दाखिले नहीं मिल रहे हैं। ग्रामीण जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण स्कूलों में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे शहरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है और पार्टियों को इस मामले में सर्वसम्मति से भी निर्णय लेना चाहिए और इसका कोई कानूनी प्रावधान जो किया गया था वो बिल्कुल ठीक है। प्रेम शर्मा जी को आपने सुना, ये फैसला जल्द भी आ सकता था अगर आप लोग मजबूती से कोशिशें करते तुलनात्मक रूप से। वही जो आर्थिक आधार की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे एक्ट में पहले से ही है, तो हमने तो एक्ट बनाया 10% के लिए और हम सेंट्रल लेवल पे भी उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आर्थिक आधार हो चाहे वो सोशल या जो है एजुकेशन बैकवर्डनेस हो, दोनों का क्राइटेरिया हमने रखा है और जो भी मेन स्ट्रीम से बाहर है उन सबको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पूरी कोशिश हमने तो एक्ट बनाया है। और इवन जैसे अभी आप बात भी कर रहे थे जो जाट रिजर्वेशन वाला मैटर भी है, उसमें आपको ध्यान होगा 31 मार्च को अभी जो बैकवर्ड कमीशन है उसको अपना डेटा देना था, उसके आधार पर हमारी हरियाणा सरकार भी आरक्षण दे रही थी, लेकिन वो क्योंकि फिर से वो सुप्रीम कोर्ट में केस चैलेंज है और उसमें भी हमारा पक्ष मजबूती से रखा जा रहा है जैसे कि हरियाणा ने रखा है, नीलम जी आप बार बार एक बात कह रही हैं कि आपने एक्ट बनाया उसमें आपने आर्थिक आधार का प्रावधान किया, क्या आप मुझे बताएंगे कि वो किन किन कास्ट और कम्युनिटीज के लिए आर्थिक और उसके लिए कौन सा सर्वे करवाया, आप भी बताएंगे उसके लिए कौन सा आधार सर्वे करवाया। इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए जो है वो एनुअल इनकम का देखा जाता है, जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट है, उसमें कास्ट में उसमें जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं मैं यहां कहना चाहूंगा
आप आर्थिक आधार के हितैषी होते सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए थी जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला वहां से मामला जो है वो स्टे वहां से हटे और आपकी कोशिश तो यहाँ भी होनी चाहिए थी। आपने हाई कोर्ट के अंदर भी जो हलफनामा दिया क्या आपको ये नहीं कोशिश करनी चाहिए थी कि 2017 से पहले क्यों 2017 के बाद भी कैरी ऑन रहे क्या आपको ये कोशिश करनी चाहिए जो कोर्ट का ऑर्डर है हमें वो मानना पड़ता है उस आपको पढ़ के सुनाया ना आपको स्टेट गवर्नमेंट हैज नो ऑब्जेक्शन इफ द ऑर्डर सो एंड सो इज मॉडिफाइड और क्लेरिफाइड। यही यही तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे पिटीशनर का वकील नहीं है, एक वो वकील जो सरकार है और आप जाना चाहेंगे जो फैसला हक में आया अभ्यर्थियों के क्या क्या दलीलें खास रही है क्या क्या जो वहाँ पर अगर देखे तो फैसला का वकील नहीं इसका भी जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले अभी अत्री साहब ने क्वेश्चन किया था कि कौन क्या क्राइटेरिया था इसका और कौन सी कास्ट थी, इसके ऊपर टिप्पणी करना बहुत अनिवार्य है क्योंकि 2013 में जब ये आरक्षण दिया गया 10% EBPG का उसमें बड़ा छोटा क्राइटेरिया 2,40,000 फॉर ऑल रिसोर्सेज से उसकी एनुअल इनकम होनी चाहिए, उसको एक अंधा आदमी भी गरीब कहता है किसी भी कास्ट से संबंधित हो। इसके अंदर एक दूसरी कंडीशन डाली गई थी कि उस आदमी को यह आरक्षण दिया जाएगा जिसको कहीं भी किसी भी प्रकार का आरक्षण ना दिया गया हो, जिसमें राजपूत पंजाबी ब्राह्मण और बनिया यही कास्ट ऐसी बस्ती थी जिनको सो कॉल्ड उच्च जाति कह के और दबाया जा रहा है, इन्हीं जातियों को ये आरक्षण देने के और एक सरकार ने पहल की थी कि इनमें भी गरीब हो सकते हैं, इनमें भी दबे हुए लोग हो सकते हैं, उनको ऊपर उठाना सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि जो 7 दिसंबर 2017 को स्टे आया है वो स्टे अभी भी कायम है, मैं क्लेरिफाई करने चाहता हूँ, कोई स्टे ब्रेक नहीं हुआ है उसमें। माननीय न्यायालय ने सरकार ने, मैं दोनों को यहाँ स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसमें कोई डिले नहीं हुई है। 7 दिसंबर 2017 को जैसे ही ये स्टे आया था, कालंदी वशिष्ठ का जो मामला है जिसमें हरियाणा सरकार को जवाब देना था 2016 का, उसे थोड़ा साफ कीजिए। इसमें कोई भी डिले नहीं हुई है, मैं वहीं आ रहा हूँ। हमारा प्रतिनिधि मंडल, क्योंकि मैं एक EBPG को 2013 से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, हमारा मंडल सरकार से मिला था, माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने हमें भरोसा दिलाया था कि अगर इस ऑर्डर में कोई भी त्रुटि आपको नजर आती है उसको हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और इसमें सिर्फ दो पेशी बीच में आई है, दो पेशी आई है, दूसरी पेशी पे एफिडेविट भी जमा हो गया है। इसके लिए मैं सरकार का कोटि कोटि नमन करता हूं, माननीय न्यायालय का भी नमन करता हूं, जिसने अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं। EBPG समाज का प्रवक्ता में स्टे हुआ, आज हम 2018 में बैठे हैं, आप कहते हैं कोई भी विलंब नहीं हुआ जबकि सरकार ने जवाब दावा दिसंबर 2017 में। मैं जो बात कर रहा हूँ शैक्षणिक जो स्टे हुआ शिक्षा जो एडमिशन के अंदर 2016 में हुआ था ना, एडमिशन में 2016, तो आज तक जवाब दावा दायर नहीं किया सरकार ने और आप कहते हैं कोई विलंब नहीं हुआ। देखिए मतलब मैं विलंब का मतलब क्या, अरे दो साल हो गए साहब, जवाब दावा दायर नहीं हुआ सरकार ने। चलिए जी, कोई देरी हुई है पूरे मसले को लेकर, देरी एक चीज होती है। सरकार ने जवाब दबा, इस केस में क्या जवाब दबा देना था सरकार ने, सरकार के जवाब दबा, ये प्योर सिंपल कानूनी बात है। दो इसमें इशू हैं, क्या इकोनॉमिक तौर पर आर्थिक तौर पर पछड़े लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, क्या आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर जा सकती है। तीसरा कोई इशू नहीं है, तो इसमें ये तो बताना को मैं क्लियर करना चाहता हूं। सर एक मिनट, आप प्लीज करना, मैं दोनों के बारे में कह दूं। पहली जो आपने एक वो शेड्यूल 9 की पहले मेरे से सवाल किया और वो बीच में रह गया, ठीक है, शेड्यूल 9 की अमेंडमेंट की जा कमेर रखा जा सकता है, लेकिन IR कोहिलो का केस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि शेड्यूल 9 में रखा गया कोई भी कानून
जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर नहीं हो जाएगा। उन्होंने केशवानंद भारती के केस से पहले के मुकदमों को छोड़ के किसी भी केस को वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ग्राउंड पे, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। और यदि आप अब ये 47% रिजर्वेशन नॉर्मल, 10% जाटों के लिए या दूसरी जातियों के लिए और 10% उसके लिए, आप 67% रिजर्वेशन कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि ये वायोलेट नहीं करता उसका। आप जो बीच में एक लास्ट बात कह दूं, आप तमिलनाडु की बात कर रहे हो, 97% बैकवर्ड क्लासेज और दूसरी क्लासेज है, सिर्फ 3% अपर कास्ट है वहां पे। 69% का रिजर्वेशन है तमिलनाडु के, 97% बैकवर्ड क्लासेज और शेड्यूल कास्ट है वहां पे। तमिलनाडु में सिर्फ 3% उसको मानती है। हम सिर्फ जो है 31 मार्च का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उत्तम बैकवर्ड कमीशन को अपनी रिपोर्ट देनी थी और जितना वो हमारे को रिकमेंड करते हैं हाईकोर्ट के हिसाब से, उतना जो है सरकार ने उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले लिया। नीलम जी, आप प्रवक्ता के अलावा ना, एक मिनट प्लीज, मैं आपकी टर्म में कुछ नहीं बोलती। सेकंड थिंग, दो तीन चीजें इकट्ठी उठाई जा रही है, एक तो रिजर्वेशन एज अ होल मैटर, दूसरा एक रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिक क्लास, और एक जो हमारा जाट रिजर्वेशन का एक मैटर था। तो तीन चार इकट्ठी है, अब इनको थोड़ा सा अलग अलग करके देखें। पहली बात तो ये कि आर्थिक आधार बेशक अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन अगर हमारे जो नेशनल बैकवर्ड कमीशन है इकोनॉमिक क्लास के लिए, जो हम कमीशन बना रहे हैं, जिसको मैंने आपको बताया लोकसभा में हमने उसको इंट्रोड्यूस भी किया था लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ था, अगर जरूरत पड़ी तो हम उसका अध्यादेश भी लाएंगे ना, ऐसी कोई बात नहीं। जब भी हमें कोई ऐसा सबमिशन लेना होगा तो हमेशा लेके आते हैं, ठीक है। पहले प्लीज, वो कोई भी काम जो पॉलिटिकल विल के साथ किया जाता है पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, वो आपकी सरकार करती है, हम कभी नहीं करते। हमें जो भी सरकार होता है, आपकी सरकार की ओर से दिया गया, आपकी सरकार तो चली, कोर्ट की चली है, आपकी सरकार तो चलने एक दिन ना चले, कहीं सुप्रीम कोर्ट सरकार चला रही है, कहीं हाई कोर्ट चला रही है, आप तो बैठे रहते हैं कि हाई कोर्ट निर्देश देगा, हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा, हाई कोर्ट प्रकार लगाएगा। नीलम जी, आपने कहा, अभी आपने कहा कि पॉलिटिकल हमारी ऐसी कोई विल नहीं रहती जिसके लिए बेनिफिट्स नहीं लेते, ठीक है हमने माना, आपने कहा, हमने माना पैनल पर, वो हम हमेशा उसके, लेकिन जितनी जानकारी है इस विषय को लेकर, कल ही सरकार की ओर से कहा गया कि दिक्कत परेशानी देखिए, उस वक्त कहा गया जब ब्राह्मण समुदाय आपकी सरकार से नाराज था। जाट समुदाय को आप उस वक्त ठोस आश्वासन देते हैं जब जाट समुदाय सड़कों पर होता है, फिर कैसे ना माना जाए कि पॉलिटिकल जो विल है आप लोगों की पूरी की जा रही है, जो बेनिफिट्स हैं समय के हिसाब से आप लोग डिसाइड करते हैं, दबाव में ना आए, आप लोग डिसीजन लेते हैं। हमारी सरकार लोकतंत्र की हत्या नहीं करती, जवाब ले लीजिए। एज फॉर जाट रिजर्वेशन मैटर इज कंसर्न, उसमें तीन चार चीजें थी। एक तो ये कि जितने भी मुआवजा था सारा का सारा दिया जा चुका था, फैमिलीज के जितने भी डिपेंडेंट्स उनको जॉब दी जा चुकी है, जितने भी केसेस थे आपको शायद उसका पता नहीं होगा, जितने भी केसेस हैं सबके सब में एप्लीकेशन विड्रॉल के लिए लग गई है, जितने भी हमारे युवा जो उस आंदोलन में जो गुमराह करके उनको सको पे लाया गया था। और जो चौथा जो है मैटर, जो गुमराह करने वाले थे उनको पकड़ा गया, जिसको आपने कमेटी बनाई थी प्रकाश कमेटी, उसकी रिपोर्ट तो आपने डस्टबिन में डाल दी। प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट नहीं, आपकी सरकार को वहां पे नाम किया था कि आपकी सरकार जिम्मेदार है, आपने वो डस्टबिन में डाल दी। मीडिया बनाते हैं, लोगों की आंखों में झूठ छोड़ते हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं और उसके बाद कहते हैं हमारी सरकार ने सब कुछ सॉल्व कर दिया। मैडम बोलोगे प्लीज, आपके पास आएंगे, जवाब दीजिएगा। क्योंकि मैं खुद इसे बिलोंग करती हूँ, मैं खुद रिजर्वेशन मैटर को पीछे मैंने जैसे कहा कि अब क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है और उस पर जो है वो स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, मतलब हम उसमें अभी कोई चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरह से, ठीक है। प्रेम कुमार जी, प्रेम शर्मा जी, आप फोन लाइन पर आते ही हमारा ये क्लियर, ये चलिए ठीक है। प्रेम शर्मा जी हैं फोन लाइन पर, इंतजार कर रहे हैं, एक और मेहमान हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, प्रेम शर्मा जी आप हैं फोन लाइन पर। जी, सरकार की मंशा कितनी लगती है आपको आरक्षण को लेकर, फिर आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हैं उनकी बात कर ली जाए या सामाजिक तौर पर जो है? मैडम, सरकार को पहले तो अपने आर्थिक आधार पे स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही अभी तक सरकार। इतने दिन हो चुके हैं, 3 बार सरकार को मौका मिला है, कोर्ट में सरकार अपना पक्ष पेश नहीं कर सकी और अभी तक भी आर्थिक आधार पे बिल्कुल साइलेंट है सरकार।
पहले तो सरकार को अपने सरकार के पास इतना बड़ा अमला है, कानूनी तौर पे इतना बड़ा वो है, वो तो इनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए इस विषय में। और जो है आर्थिक आधार पे, क्योंकि आर्थिक आधार कोई बड़ी बात नहीं है, हर कास्ट के अंदर गरीब आदमी है। ब्राह्मण तो इतना गरीब है, ब्राह्मण लैंडलेस भी है, हरियाणा में भी लैंडलेस है ब्राह्मण, उसको नौकरी में भी आरक्षण नहीं, जमीन उसके पास नहीं है। यही हालत बनिया समुदाय की है। बनिया समुदाय का पहले जो दुकानों में काम करता है, आजकल वो बेचारे नौकरी नहीं है। आपसे क्या उम्मीद जगी है जो बाकी के जो आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, इस फैसले के बाद? बिल्कुल, ईबीपीजी का 2013 से मैं वकालत करता आया हूं, और मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं पूरे समाज को कि माननीय न्यायालय के इस फैसले से, और जो पहले भी माननीय न्यायालय ने ईबीपीजी को प्रोटेक्ट करके रखा, इससे बहुत उम्मीदें समाज को हैं, ताकि समाज का वो पिछड़ा वर्ग, वो लोअर स्ट्राटा जिसकी इनकम 2,40,000 एनुअल है, वो बहुत ही गरीबी की दौर से गुजर रहा है, वो कम से कम अपनी दो वक्त की रोटियां कमा पाएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जब हमारे 500 कैंडिडेट पिछले पुलिस में भर्ती हुए, तो वहां के जो ऑफिसर थे उन्होंने बड़ा आश्चर्य जताया था कि देखो अब पहली बार भर्ती आई है जिसमें कैंडिडेट चप्पल में बस में से उतर के आ रहे हैं, नहीं तो यहां तो जी गाड़ियों में बैठ के कैंडिडेट आते थे। मैं ईबीपीजी के सभी कैंडिडेट की तरफ से ये बात कहना चाहूंगा कि आज आर्थिक आधार पर जो सरकार ने और जो कोर्ट ने हमारे समाज के साथ, चारों जातियों के साथ न्याय किया है, उसके सरकार भी और कोर्ट भी बधाई देता हूं। 2017 की बात क्यों रुक जाए, उसके बाद क्यों ये न्याय ना मिले? उसके बाद भी मैं उन्हीं भर्तियों पर क्यों, देखिए सवाल का जवाब आगे नहीं आ रहा है। सवाल यही है, एक बात तो ये हो रही है कि ये एंट्री मॉडल है केवल 1300 बच्चों को लागू। प्राशर साहब कहते हैं कि उम्मीद जगी है, क्या ऐसा अच्छा ना होता प्राशर साहब कि ये परमानेंट स्टे हट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सरकार से, सरकार ने क्या कोई ऐसी नीलम जी कोशिश की कि ये परमानेंट स्टे हट जाए? मेरे मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ तीनों सरकारें जो हमारे हरियाणा में बारी बारी आती हैं, बीजेपी को जवाब देने दीजिए, क्योंकि सरकार ने क्या कोशिश किया? तेरे साहब ने जो अभी सवाल किया कि स्टे हट जाए, सवाल मेरे से किया था, मैं एक छोटा सा सेंटेंस ऐड करते हैं, फिर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन का मैटर है, अभी सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंसी है, जब वो डिसाइड हो जाएगा तो अब हमारे पास समय नहीं रहा, हमें तो ऑलरेडी 10% जवाब दिए। प्रेम शर्मा जी, हुड्डा सरकार ने जो आरक्षण दिया, चुनाव से ठीक पहले आरक्षण दिया गया था, नीति बनाई गई थी, क्या लगता है अब आर्थिक तौर पर जो आरक्षण दिया जाए वो वोट बैंक की बुनियाद बन सकता है? नहीं, आरक्षण तो दिया जाना चाहिए मैडम, हर कास्ट में जो है ना गरीब आदमी है, जितना भी गरीब है, लो इनकम एक जिस तरह से 2,00,000 से जिससे नीचे जिसकी भी आय है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। प्रेम शर्मा जी, मैं एक छोटी सी बात पूछ लूं। जी गुरिंदर पाल सिंह जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता। सर मुझे बताओ कि एक तो आरक्षण में और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में अंतर क्या है? ये जो गरीब को ऊंचा उठाना है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम होते हैं कि गरीब आदमी को ऊपर उठाना है, उसके लिए सभी जातियां सभी, जब हम कहते हैं ना गरीब, ये ईबीपी कि जो जनरल कैटेगरी का गरीब है ना सिर्फ उसके लिए आरक्षण है, तो ये गरीब की बात नहीं हो रही, ये राजनीति की बात हो रही है। और उस राजनीति की बात हो रही, यदि मैं AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट पढ़ूं ना, उसका पैरा नंबर 115 पढ़िए जी, ठीक है? और उसमें क्या लिखा हुआ? आपने अभी एक बड़ी बात कही कि आर्थिक तौर पर ही आरक्षण होना चाहिए, क्या आपकी पार्टी का ये स्टैंड है कि सामाजिक तौर पर जो जातियां पिछड़ी हैं उनको आरक्षण ना देकर आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को दिया जाए? आपने मुझसे सवाल किया जी, आपसे बिल्कुल, आपने कहा कि आर्थिक तौर पर ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए आर्थिक तौर एक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज जो चाहे वो किसी भी जाति विशेष से है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से, चाहे वो बैकवर्ड कैटेगरी से है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से है, आज जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आज जो हालात हैं, तो आज मौजूदा हालात के अंदर उनको उठाने की जरूरत है। मैं कभी जातियों के खिलाफ नहीं कि उनको क्यों दिया, उनको नहीं दिया, पर ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जिसको सबसे लास्ट होता है, तो जिसको सबसे लास्ट रखा गया है, ये सबसे पहले होना चाहिए। इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होगा वही एजुकेशनली बैकवर्ड होगा, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होगा वो एजुकेशन कैसे ले पाएगा, कैसे पढ़ पाएगा, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कोशिशें क्यों नहीं की जाती सरकारों की ओर से? वहां जवाब दे दीजिए, इतना ही क्लियर जितना पैनल पर आप लोग बोलते हुए हैं। नीलम जी आखिरी जवाब आपका जी।
पहली बात तो ये कि जो रिजर्वेशन और जो आप जिसको कंपेयर करें ना पॉवर्टी एलिवेशन अलग चीज है। रिजर्वेशन का पर्पस ये होता है कि जो भी किसी भी कैटेगरी से किसी भी वर्ग के लोग जो अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे, भागीदारी नहीं दे पा रहे, नहीं नहीं प्लीज वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे, उन सबको सामने लाना चाहिए और कोई भी सरकार है उसके लिए कोशिशें करती है। और हमारी सरकार आर्थिक आधार पर भी, बाकी कोई भी जाती हो दूसरों को भी और आर्थिक आधार पर भी, जैसे हमने कहा कि हरियाणा में भी हमने 10% किया और मुझे लगता है कि सरकार जो है यहाँ पे भी भरमाने की कोशिश कर रही है, होना नहीं चाहिए था कि सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टे है तो वहाँ सरकार पूरी कोशिश करे कि स्टे वैकेंट हो जाए। अगर हाई कोर्ट के अंदर प्रेगनेंसी का चल रहा है चलो फिर वहाँ कोशिश कर लीजिए कि वहाँ से प्रेगनेंसी खत्म हो जाए। मैडम वो जरूर मत करिए, ठीक है, कह रहा हूँ अभी समय नहीं आगे चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया प्रेम शर्मा आपका भी फोन लाइन पर बने रहने के लिए। तो जो फौरी राहत दी गई है क्या वो बड़ी राहत बने आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, इसके लिए सरकार कोशिश करेगी या फिर देखिए इसको लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।